सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे एक बारी लग जावे लग के ना छूटे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया अम्मी, वो एहसास की माँ का जेवर है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो एहसास के लिए उसकी माँ की निशानी है। फिर आप क्यों ऐसी बातें सोच सोच के अपना दिल जलाती हैं? सी, अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतनी नैरो माइंडेड हो तो मैं क्या क्या तुम कभी मुझसे शादी ना करती? ये कहना चाह रही? हाँ, यही कहना चाह रही। जी आइए। तशरीफ रखिए। फरमाइए। सर, वो मुझे कंपनी से कुछ लोन चाहिए। कितना लोन चाहिए? 1,00,000। 1,00,000? वो मेरी बहन की शादी है। ठीक, आपको मिल जाए। सर, हम एक नए एम्प्लॉय को लोन कैसे दे सकते हैं? अभी इनको आए हुए चंद माह तो हुए हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एहसास, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाइए, मैं अकाउंटेंट साहब से कह देता हूँ, आपको भी चेक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी बहन की शादी के बाद इवनिंग में भी ड्यूटी करके कुछ ही महीनों में आपका सारा लोन उतार दूंगी। एक बार फिर शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, अपने वर्कर्स का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। कैसे लोन अदा कर पाएगी सर? आजम साहब, वैसे भी मैं एहसास से बहुत मुतासिर हूं। आज उसने ये बात करके मुझे बहुत हैरान किया। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। एहसास वाकई अपने नाम की तरह एहसास करने वाली बच्ची। खुश नसीब है इसके वालिदैन जिन्हें अल्लाह ने इतनी काबिल और नेक बच्ची दी। और मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा खुश किस्मत होंगे वो लोग जिनके घर एहसास बहू बन कर जाएगी। मॉम, आप ऐसी छोटी मोटी बातों पे परेशान हो रही हैं। हस्बैंड वाइफ हैं, हद्दे तो हो जाते हैं। We'll resolve it. लेकिन कैसे? तुम मुंह बनाकर यहाँ बैठी हो और वो अपने रूम में। So what? पहली बार हुई है हमारी लड़ाई? लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ में, बहुत से इश्यूज होते हैं। लेकिन बेटा, इस बार बात बढ़ चुकी है। वो जो मनहूस रोहेल जो बीच में आ गया है, देखो, अगर हमाद को तुम्हारा उसे मिलना पसंद नहीं है तो मत मिलो ना। उससे मिलना तुम्हारा जरूरी है क्या? देखो मेरी जान, इतना अच्छा मियां मिला है तुम्हें, हैंडसम है माशाल्लाह से, इतना बड़ा बंगला है, बिजनेस है, और फिर मुराद साहब के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मलका बनकर रहोगी मलका। अभी भी तो मलका बनकर ही रह रही हूँ। हाँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। खाक कंट्रोल में है तुम्हारे? एक मियां तो तुम कंट्रोल में कर नहीं सकती। कंट्रोल में है? देखो, अगर मेरी बात मानोगी ना, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। मियाँ की खिदमत करो, उसके आगे पीछे फिरो, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो, फिर देखना कैसे रहता है तुम्हारी मुट्ठी में। मॉम, मैं तंग आ गई हूँ आपके रोज रोज के लेक्चर से, पता है, बोर हो गई।
मुझे पता है मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी है। मैं चेंज नहीं कर सकती खुद को और खुशामदे भी नहीं कर सकती एक्स्ट्रा किसी की। लेकिन बेटा अगर तुम मेरे कहना नहीं मानोगी तो ये लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सफाई पैदा नहीं। कहा था ना आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता मुझसे। माम बहुत प्यार करता है मुझसे हिम्मत। लेकिन बेटा फिर भी अकल से काम लेना बहुत जरूरी है। माम सी फ्लास फॉर मी। इतनी जल्दी घर जा रही हो? आज तो तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम बहुत था। हाँ काम तो बहुत है लेकिन मुझे आज घर जल्दी जाना है। मैंने बॉस से परमिशन ले लिया। बहन की शादी कब तय हुई? परसों। तैयारियाँ हो गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अच्छा है नहीं वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने? यही 1000-1500। मेरी सैलरी आएगी ना मैं वापस कर दूंगी। चलो मैं दे देती हूँ फिर लौटा देना वक्त। हाँ तुम टेंशन मत लो मेरी सैलरी आएगी मैं तुम वैसे ही वापस कर दूंगी। क्या देख रहे हो? दिन से नहीं देखा था इसलिए भी जी भर के देखना चाहता हूँ। कैसी लग रही है? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलें? नहीं अच्छा बताओ मरियम तैयार होगी? नहीं मरियम हमारे साथ नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आज हम अकेले बाहर जाएंगे इसलिए। आपका हर हुक्म सर आंखों पे। एक बात बताऊं मां इस बार सॉरी ना मुझे बोलना चाहिए गलती मेरी थी ना। नहीं ऐसे गए तो तुम ठीक रहे और वैसे भी तुम जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकूंगा। ज्यादा देर का? दो दिन की तो बात थी। दो दिन? मैडम पूरे दो दिन। मैं दो मिनट में तुमसे खफा नहीं रह सकता। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? नहीं इससे भी ज्यादा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। एक बात तो बता नरमी क्या तुम्हें मुझे इतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती क्या? You have to say it, like, अल्फाजों में? मोहब्बत का इजहार अपने अल्फाजों में क्या करूं मुझे अच्छा लगता है। Thank you.
ताया जान आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आप भी और अम्मा का कुछ नहीं होगा। प्लीज हौसला रखें ताया जान, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना, कैसे हैं वो? आपकी बहू को होश आ गया, छोटी मोटी खराशें आई थी, हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया। और मेरा बेटा हमार? देखिए मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, आपके बेटे की जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, इसलिए प्लीज अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब सुनो, तुमने ये क्या कहा है डॉक्टर ने? अरे मेरा बेटा हमार, उसकी टांग। ताया जान आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाए। चाय तैयार होगी? जी अम्मी बस 5 मिनट। शुक्र है खाने का भी इंतजाम अच्छी तरीके से हो गया। वो तो अल्लाह भला करे तुम्हारे बॉस का कि इस कड़े वक्त में उन्होंने हमारी मदद कर दी। सारे रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाती, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कर देना। या नहीं एहसास ऐसा करना तुम तो मुझे ले चलना, मैं खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करूँगी। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी उन्होंने मुझे ये पैसे कर्ज के तौर पे दिए, हम मुझे ये लुटाने हैं। हाँ ये तो है, मुझे तो शुक्रिया तुम्हारा अदा करना चाहिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एहसास। वैसे तुम इस बात का जिक्र अपने बाप से मत करना। क्यों अम्मी? अच्छा ज्यादा सवाल मत करो, जैसा कह रही हूँ वैसे करना, क्या जरूरत है उन्हें बताने की? तुम शाम की शिफ्ट में ड्यूटी करके थोड़ी थोड़ी ये रकम अदा कर देना। 1 लाख ही तो है। लेकिन अम्मी ये बात अब्बू को कभी ना कभी तो पता चलेगी ना, और 1 लाख की रकम मामूली नहीं होती है। और जब मैं शाम की ड्यूटी करूंगी तो अब्बू वजह तो पूछेंगे ना, फिर मैं क्या कहूंगी? एक तो परेशान तुम बहुत करती हो, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि अपने अब्बू को मत बताना तुम मत बताना, अगर वो कहेंगे पैसे कहाँ से आए तो कह देना कि जमा करके रखे थे, अल्लाह अल्लाह करके एक ढंग का रिश्ता मिला है, सबके लिए तोहफे वगैरह भी तो लेने थे, हजारों खर्चे सर पे हैं। अगर पैसे हाथ में ना होते तो मैं क्या करती? अम्मी बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा ठीक है अब जल्दी से चाय ले आओ, और हाँ जो मैंने बातें कही हैं उसको ध्यान में रखना, समझी? हमाद को होश आ गया माँ, कैसा है अब? और मैं आपसे पूछ रही हूँ हमाद कैसा है, कुछ बता क्यों नहीं रही? बेटा वो ठीक है, तुम आराम करो। मुझे क्यों लग रहा है कुछ भारी है मुझसे, मैं कुछ कर देती हूँ। नरमीन, नरमीन बेटा। वैसे ये बात तो मैंने भी नोट की कि तुम आज बहुत खुश लग रहे थे, कोई खास वजह? भाई रबाब की शादी हो गई है, अगला नंबर तुम्हारा है यानी हमारा है। क्या बात है, तुम ये शादी का जिक्र सुन के इतनी परेशान क्यों जाती हो भाई? अब नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चलो क्या तुम मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ, मतलब बिल्कुल उतनी? क्यों तुम्हें कोई शक है? पता नहीं
कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शायद इस रिश्ते से खुश नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है जिब्रान, और कितनी बार मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं? पहले तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सारी मोहब्बत तुम्हारी आंखों में मुझे नजर आती थी, अब न जाने कहां गायब हो गई। जिब्रान, मैं नहीं बदली हूँ, मैं आज भी वैसी हूँ जैसे पहले थी। सच? क्यों, तुम्हें कोई शक है? मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। देखो मैं तुमको ये दुनिया जहाँ की सारी आसाइशें तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ प्यार, मोहब्बत, घर, रिश्ते, ये सब तुम्हें भरपूर मिलेगा। और हाँ, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। अच्छा, वाकई में? तुम अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझोगी, और लड़कियां देख देख के जलेंगी तुमसे, सब कहेंगे ओ कितना खूबसूरत शौहर है इसका। अच्छा सुनो, मैं रख रहा हूँ, अम्मी बुला रही है, फिर बाद में बात करता हूँ। हैं, चलो लाफिस। भाईजान। अरे नरमीन बेटा, तुम बेड से उठकर क्यों आ गई? भाईजान, हम बात कैसे? ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो बेटा। ऑपरेशन? हमाद को कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ मर जाऊंगी उसके बगैर, प्लीज मुझे बताएं सब ठीक है ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर साहब बताइए। ऑपरेशन हो गया, सुबह तक पेशेंट को होश आ जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना, जो वो आप बता रहे थे कोई खदशा जाहिर कर रहे थे? ऑपरेशन की कामयाबी का तो मरीज के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, तो 80% मुझे शक है कि वो पैरालाइज हो गया। मैंने बहुत सोच समझ के उसका रिश्ता एक गरीब से खानदान में करवाया। लड़की जो है ना, वो आम से शक्ल की है, आपकी चुपचाप खिदमत करती रहेगी। क्या क्या हुआ मुझे डैड? मैं अपनी टांगे क्यों नहीं हिला पा रहा डैड? मुझे पैर क्या हुआ मुझसे? नहीं, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? शर्त रखी है कि दूल्हे को सलामी में 50,000 देना होगा।